के वीडियो में हम एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस देखेंगे, लेकिन टेंस के सेंटेंस का। इसके पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में कैसे चेंज करते हैं। पहले टेंस के सेंटेंस में, टेंस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉयस में, मतलब टेंस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉयस में हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स का मतलब क्या है? यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं टेंस के सेंटेंस में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर यदि कोई भी आता है तो उसके साथ हैव का यूज करेंगे। सिमिलरली उसी प्रकार पैसिव वॉयस में यदि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, उसको छोड़ करके यदि कोई सब्जेक्ट रहेगा तो हैव बीन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आते हैं? ही, सी, इट, राम, श्याम, सोहन। एक व्यक्ति एक वस्तु के नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। दिस दैट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए हम देखते हैं पैसिव वॉयस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी फॉर्मेट को देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख लिया हूँ या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर हैव के इसलिए यूज हुआ क्योंकि यह सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो पैसिव वॉयस में चेंज करने का सिंपल सा रूल है, पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के टेंस के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके साथ बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में बाई सब्जेक्ट को राइट कर देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट नाउन रहेगा तो वैसे का वैसे राइट करेंगे, यदि प्रोनाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस राइट करेंगे। आई हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है तो अ लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर को पहले ला देंगे। और ये जो हमारा लेटर है एक की बात हो रही, और जो एक व्यक्ति वस्तु की बात होगी या किसी पर्सन की बात होगी तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का, क्योंकि अ लेटर एक वस्तु का नाम है तो सिंगुलर में आएगा। इसके साथ टेंस के सेंटेंस में हैज या हैव यूज होता है, लेकिन पैसिव वॉयस में हम हैज बीन या हैव बीन यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये बोनस पॉइंट है, रिटर्न हमारा खुद ही थर्ड फॉर्म में मौजूद है तो उसको वैसे का वैसे राइट कर देंगे रिटर्न। उसके बाद यहाँ पर हमारा आई है, आई सब्जेक्ट में आई होता है, ऑब्जेक्ट में जाता है तो वहाँ मी बन जाता है। इसका मतलब ये है आई यदि सब्जेक्ट में आता है तो अपने सब्जेक्टिव केस आई में मौजूद होता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट में जाता है तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, मी में हो जाएगा। है आई ही ऑब्जेक्ट में जाने की वजह से ऑब्जेक्टिव रूप में हो गया। राम दूसरा एग्जांपल है, राम है सिंग और संग, सिंग नहीं रहेगा संग, राम है संग और संग। राम ने एक गाना गाया है या राम ने गाना गा चुका है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, गाने का प्रभाव किस पर है? असंग पर है, तो असंग को पहले ला देते हैं। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार टेंस में यूज होगा, लेकिन पैसिव वॉयस में ऑब्जेक्ट के अनुसार एक संग की बात हो रही है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये खुद ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, संग हो जाएगा। उसके बाद राम, नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है, यदि राम रहेगा, सीता रहेगा, रमेश रहेगा, टेबल रहेगा, एक वस्तु एक व्यक्ति के यदि नाम रहेगा तो उसको वो नाउन होता है, और नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट में हो। तो नाउन को वैसे का वैसे राइट कर देंगे बाय राम। ये हमारा हुआ पैसिव वॉयस का सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया, सॉन्ग हैज बीन सॉन्ग बाई योर राम, एक गाना राम के द्वारा गाया गया। और इसका मीनिंग हो गया, राम ने एक गाना गाया है या राम एक गाना गा चुके हैं। इसका मीनिंग हुआ, आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ या मैंने एक पत्र लिख लिया है। इसका पैसिव वॉयस का मीनिंग क्या होगा? अ लेटर हैज बीन रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, रिटन मी मेरे द्वारा लिखा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये हमारा पैसिव वॉयस का सेंटेंस हुआ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मेन, यहाँ सब्जेक्ट मेन होता है। यहाँ पर मैं एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस की यही बड़ी सबसे बड़ी खासियत है। एक्टिव वॉयस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, मतलब
सब्जेक्ट मेन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। यहां पर मेन क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, जो हमारा पैसिव नेगेटिव सेंटेंस का है। सोहन हैज नॉट रीड मेनी बुक्स, सोहन ने कई किताबों को नहीं पढ़ लिया है या नहीं पढ़ चुका है। तो यहां पर पढ़ने का जो मेन एक्शन है, हमारा मेन कार्य है, उसका प्रभाव मेनी बुक्स पर, एक पर नहीं दोनों पर, मेनी बुक्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एक नहीं है, ना हम बुक्स ले सकते हैं ना मेनी, मेनी बुक्स कई किताबें एक साथ में है, तो उसको हम पहले लाएंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है मेनी बुक्स। उसके बाद अब हम इसी सब ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं आता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं आता है तब हम हैव बीन यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन। तो एक साइड को याद करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन यूज करेंगे, इसको छोड़ करके कोई भी आएगा तो हम हैव बीन। यहाँ पर मेनी बुक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ कर रहे हैं, इसलिए हम हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद ये खुद ही थर्ड में फॉर्म में है, रीड रेड राइट रीडिंग होता है। यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम होता है लेकिन इसका प्रोनंसिएशन रेड होता है, लाल वाला रेड। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा सोहन है नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसको वैसे का वैसे, नाउन कभी भी चेंज नहीं होता है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये नॉट भी था तो नॉट को हैव और बीन के बीच में राइट कर देंगे, हैव नॉट। उसके बाद यहाँ बीच में नॉट को प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब रूल वैसे रहेगा। हैज सोहन रीड मेनी बुक्स, क्या सोहन कई किताबों को पढ़ चुका है या पढ़ लिया है। तो सिंपल सा इसका रूल है, जैसे ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो यहाँ पर जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले है, वैसे ही पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मेनी बुक्स है और मेनी बुक्स को हम पहले राइट करेंगे, तो मेनी बुक्स को पहले लाएंगे। लेकिन इस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हैव बीन यूज करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको बाई लगाकर राइट कर देंगे, बाई सोहन, और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। When have they washed the cloth? When मतलब कब, have they, वे कपड़े कब धोए हैं या कब धो चुके हैं, ये है इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर जो प्रभाव वॉश होने का प्रभाव किस पर है, द क्लॉथ पर। तो द क्लॉथ्स हमारा क्या है, क्लॉथ्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल से रूल है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड स्टार्ट में रहता है, वैसे ही पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी क्वेश्चनिंग वर्ड को स्टार्ट में ही रखेंगे। एक्टिव वॉइस में जैसे है वैसे पैसिव वॉइस में, वेन का वेन, हाउ का हाउ, मेनी बुक्स या मेनी कोई चीज़ रहेगा या वाई रहेगा, जो भी रहेगा क्वेश्चनिंग वर्ड उसको वैसे राइट कर देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर हैव यूज करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले, दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम यूज कर दिए हैं। और उसके बाद वेन हैव द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव यहाँ यूज हो गया तो बीन यहाँ पर यूज कर देंगे, बीन। उसके बाद वॉश वैसे का वैसे, वॉश्ड। उसके बाद बाई लगा देंगे। उसके बाद दे, दे सब्जेक्टिव रूप में है, उसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चनिंग मार्क्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंट्रोगेटिव आएगा तो दो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में,
हैज बीन या हैव बीन है, तो ये कोर्स ऑब्जेक्ट के पहले, जैसे मैंने बुक के पहले हैव लगा दिए तो बीन को उसके बाद लगाएंगे। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, यदि यह सेंटेंस नेगेटिव रहता, नॉट यहाँ पर लगा होता, तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग कर देते, नॉट, तब बीन का यूज करते। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करना है। ये तो आज के वीडियो में हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। इसके बाद हम पास्ट की कैटेगरी में चलेंगे कि पास्ट में टेंस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे चेंज